नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 जून 2020 और यहां पे 26 जून 2020 फ्राइडे के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा, मैंने कल एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया आप लोगों के लिए, सिर्फ लाइव ट्रेड का वीडियो कल आप लोगों को आया था, उसके बाद कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली घर में बेटी की इंगेजमेंट कल लड़के वाले आए हुए थे, उसकी वजह से जो उन लोगों का जो घर में कार्यक्रम होता है तो उसकी वजह से थोड़ा व्यस्त था, तो रात 1:30 बज गए, तो उसकी वजह से मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज शुरुआत करता हूँ, आज मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। तो आईटी और फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए, और देखेंगे कौन सा आईटी और फार्मा स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है उसका, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या लेवल आ रहा है। एससीएल टेक के साथ शुरुआत करूँगा। एससीएल टेक आईटी सेक्टर का, मैं पहले बता दूँ टोटल आईटी सेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। अभी फिलहाल जैसा मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सप्ताह आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा बुरा साबित हो सकता है ना, मतलब थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये मेरा ऐसा चार्ट मुझे बता रहा है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन जैसे कि चार्ट मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैं जब ये आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक्स के एक इस कैंडल को देखता हूँ ना, और उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि अंदर आ चुका है वापस से, क्लोजिंग अंदर कर चुका है स्टॉक, तो थोड़ा सा वीकनेस दिख जाता है। तो एससीएल टेक देखिए, जैसे आपको दिख रहा है कि इस कैंडल का हाई ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब वो उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अपने वीक यानी कि 200-540 का जो लेवल है, जो 200 DMA में आ रहा है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये कल 546-47 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, 540-35 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता। हेक्सावेयर 310 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है नीचे की साइड में, अगर ये 310 को ब्रेक करेगा तो 280 तक के लेवल आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां से तेज ये कैंडल देख रहा है ना, ये कैंडल जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, तो जब ये 310 को ब्रेक करेगा तो 290 आपको ऐसे ही ये गिरते हुए दिखा देगा। नया पोजिशन के लिए आपको दोस्तों ₹330 का वेट करना पड़ेगा, 330 के ऊपर निकलेगा ना तो हम एक नया पोजिशन बना सकते हैं 340 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस के साथ शुरुआत। अब देखिए इन्फोसिस, मैंने हमेशा इसके बारे में कहा 710 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव, 700 के नीचे निगेटिव हमेशा, तो गैप डाउन ओपन हो गया, और ये आप देख रहे जो रेड लाइन आई हुई ना, ये 200 DMA के प्राइस है, ये उसके नीचे ये स्टॉक्स ने क्लोज कर दिया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ उसके नीचे, तो वापस से जब तक ये 710 को ब्रेक नहीं करते पॉजिटिव मूवमेंट नहीं होगा। कल अगर ये 710 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड पोजिशन 720 के टारगेट के लिए बनाया जा सकता है। जस्ट डायल में देखिए, हम लोगों के पास रेजिस्टेंस है 400 का राउंड नंबर का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो अवेलेबल है अभी हमारे पास। अगर ये 400 को ब्रेक करता है तो एक बार 420 की तरफ जाने की कोशिश करेगा जस्ट डायल। माइंडट्री 950 के ऊपर लगेगा, माइंडट्री 950 के ऊपर अगर निकलता है तो एक टारगेट 980 से लेकर 1000 तक के देखने को आपको मिल सकते हैं माइंडट्री में, क्योंकि ये अब उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। नीचे की तरफ में 900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 10 लाइन का, अगर ये 900 को ब्रेक करेगा तो नीचे एक बार ये 880 तक आने की कोशिश करेगा माइंड ट्री। दोस्तों, लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने आज भी दिया, कल भी दिया, कंटिन्यू दे ही रहा हूं आप लोगों को, तो जाके आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। एनआईटी टेक के साथ शुरुआत करता हूँ। देखिए 1440 के ऊपर निकलेगा 1520 के टारगेट आपको बहुत आराम से एनआईटी टेक्नोलॉजी दिखा सकता है। टीसीएस 2025 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 2010 के नीचे निगेटिव। 2010 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो किसी भी कारण ब्रेक हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि आईटी में आने वाले समय में थोड़ी गिरावट आपको मिल सकता है देखने, थोड़ा नीचे के लेवल पे आपको और मिल सकता है। नीचे के लेवल मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा का पूरा प्रीवियस सारा ये लो के नीचे, नहीं, मतलब कहने का मतलब है 100-150 पॉइंट आईटी टीसीएस में नीचे के साइड के करेक्शन मिल सकते हैं। तो 2010 को नीचे अगर ब्रेक करेगा तो 1950 तक के टारगेट और 1900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी में नया पोजीशन तो 920-900, ये दो लेवल है रेजिस्टेंस 900 और 920, इसके लेवल जब तक नहीं कटेंगे कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे बाय साइड में। सेल के लिए अगर ये 860 को ब्रेक करता है तो एक बार 840 का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। टेक महिंद्रा, चलिए टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा पास हमारे पास वापस से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यही एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी है, यही ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे इसको, ये सपोर्ट बना के ऐसे चला, उसके बाद यहीं से फिर ये गिरा
और यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस लिया, यानी कुल मिला के हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 570 का, 72 का, अगर ये सब रेजिस्टेंस लेवल कट जाता है तो ऊपर के टारगेट दिखाएगा आपको 610 रुपए का। नीचे अगर ये वापस अपने लो को ब्रेक करता है यानी 550 को, तो एक बार ये 535 की तरफ आने की कोशिश करेगा। विप्रो में नया पोजिशन दोस्तों हम लोग 225 के ऊपर बनाएंगे। 225 को जब तक ये नहीं काटे हम कोई नया पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। 225 के ऊपर 240 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आईटी स्टॉक्स। अब इसके बाद हम लोग फार्मा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स कहाँ खड़ा है। तो मैं यहाँ फार्मा के चार्ट लगाता हूँ, ऑरो फार्मा के साथ शुरुआत करूंगा। ऑरो फार्मा में भी रेडी रहिए, हो सकता है कल आपको एक बाउंस देखने को मिले ऑरो फार्मा में। नीचे के साइड में आपको सेल का पोजीशन बनाना है 780 के नीचे। अगर ये 780 या 85 भी ब्रेक करता है तो एक बार ये 770 के लेवल देगा। नया पोजीशन 820 के ऊपर बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन 860 के टारगेट के लिए। बायोकॉन 400 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन के लिए मैंने बोला था और रटा दिया था, आप लोगों को बोल बोल के मैंने याद करा दिया। 400 के ऊपर, 400 के ऊपर नया पोजीशन, 400 के ऊपर क्लोज कर गया दोस्तों। 400 के ऊपर पोजिशनल हमारा बन चुका है टारगेट। अब हम 420 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर कल बायोकॉन ऊपर की तरफ में 407 यानी 407 ब्रेक करता है, 408 ब्रेक करता है, 4010 ब्रेक करता है, यानी ये सारे लेवल 420 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर की बात करता हूँ, 370 और 375 अभी इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लेकिन उस रजिस्टेंस से भी पहले आप देखेंगे कैडिला वापस से पहले यहाँ से 365 के आसपास से एक राउंडिंग बॉटम बना के गया है ऊपर, फिर वहां से अब एक रेंज में फंस के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये एक लेवल है इसका 365 के आसपास का, और जो 70 को टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, अब वहीं पे आप देखेंगे एक चीज को, तो यहाँ पे से कैडिला जो है एक रेंज बाउंड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अगर 375 ब्रेक करता है तो 390 के टारगेट का वेट करेंगे, नीचे अगर 355 ब्रेक करेगा तो 340 का वेट करेंगे। सिप्ला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है दोस्तों सिप्ला के पास में। मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में कॉल चाहिए, लाइव मार्केट में यानी कि ट्रेडिंग आवर में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे लिंक कॉल मिलता रहेगा। तो सिप्ला देखिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल 650 को, जब तक ये ब्रेक नहीं करे हम नया पोजिशन नहीं क्रिएट करेंगे। 650 को ब्रेक करेगा 680 तक एक पोजिशनल टारगेट बन सकता है। नीचे अगर ये 625 को ब्रेक करता है तो सेल का पोजिशन बनाएंगे 600 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब 2400 के ऊपर, अब जो है हमारा पोजीशन कहाँ बनेगा 2400 के ऊपर, 2400 के ऊपर जब तक नहीं निकले हम नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे की तरफ में एक सपोर्ट है दोस्तों इसको 2280 के, और मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेंड लाइन का एक इसको सपोर्ट है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो कमजोर हो जाएगा। अभी हालांकि ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है 2280 के आसपास, अगर उसके नीचे निकलता है सेल का पोजीशन बनेगा 2240 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी 4100 के ऊपर, नया पोजीशन हम 4100 के ऊपर बनाएंगे, फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। ग्लेनमार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये स्टॉक रहा है ना, ये सप्ताह इसी स्टॉक्स के नाम रहा, एक ही दिन में स्टॉक लगभग डबल होने के कगार पे आ गया था। अब आप देखेंगे कि ये बड़ी कैंडल का हाई है और ये बड़ी कैंडल के लो है, यानी यही हाई और यही लो अब इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहे हैं। अभी देखिए क्यों, क्योंकि इसके प्राइस को दो दिन इसने होल्ड किया, इसके लो प्राइस को आज भी क्लोज किया, नीचे ट्रेड किया लेकिन क्लोज किया उसके ऊपर ले जाके, यानी यही प्राइस जो है 450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करा। हाँ, 450 के नीचे निकलेगा सेल का बेधड़क पोजीशन बनाइए 430 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर 475 ब्रेक करता है तो 525 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लुपिन देखिए आपको भी मैंने भी बायोकॉन बताया था और कैडिला बताया था, बिल्कुल एक रेंज में है ना, बिल्कुल कैडिला के जैसा ही लुपिन भी अब रेंज में ट्रेड कर रहा है। 950-55 को ऊपर ब्रेक करे 970 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाइए, नीचे 910 को ब्रेक करे 880 के लिए सेल का पोजीशन बनाइए। PEL इसके बारे में तो जितने बार भी बोला जो भी बोला सब सही हो गया, और मैंने पहले 1000 के ऊपर बाइंग दिया 1100 और 1160 के टारगेट के लिए, वो आ गया। फिर मैंने आपको बोला ये 1000 पे वो 1200 का है लगा दिया, फिर टारगेट डन कर दिया, फिर कहा मैंने आपको 1000 पे मिलेगा मिल गया, फिर कहा पोजीशन बनाइए 1200 के टारगेट के लिए, फिर 1200 मिल गया। आप देखिए परसों मैंने बोला था, कल तो मैंने नहीं दे पाया लेकिन परसों मैंने इस बात को बोला था कि अगर ये 1300 को ब्रेक करेगा तो 1350 तक के टारगेट देगा, दे दिया। 200 DMA का रेजिस्टेंस भी है, हम नया पोजीशन 1370 के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है 1370 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 1450 के टारगेट के लिए। सन फार्मा 500 के ऊपर, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ट्रेड जरूर करता है दोस्तों, सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अगर ये सस्टेन करे
तभी मजा है, अगर सस्टेन नहीं करेगा तो मजा बिल्कुल भी नहीं है। बताऊं टोरन फार्मा स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, तो टोरन फार्मा को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टोरन फार्मा में। इसके ऊपर स्टॉक जब तक है पॉजिटिव है, टेंशन की बात नहीं है। अभी आप देखिए इसने एक प्राइस चैनल को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक प्राइस चैनल को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है, तो नीचे की साइड में ब्रेक करिए और अभी इसके लो को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 2430 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन बनाएंगे 2300 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए वापस इसको 2580 को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी 2700 के टारगेट आ सकते हैं। इसके बाद एक और स्टॉक है दोस्तों स्ट्राइड फार्मा का, जिसको हम लोग शॉर्ट में आप लोग स्टार बोलते हैं। तो स्ट्राइड फार्मा के स्टॉक्स आपके सामने, 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 400 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा। नया पोजीशन हम लोग कुछ क्रिएट अब नहीं करेंगे, 500 के ऊपर क्रिएट करेंगे। ये बार बार 500 से रिजेक्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे जाएगा तभी पोजीशन बनाएंगे उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। वोकट फार्मा की बात करते हैं, एक और स्टॉक है वोकट फार्मा, उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। वोकट फार्मा देखिए दोस्तों 310, 15, 20 ये सब रेंज है इसके। हमारे ख्याल से ऊपर एक बार अगर ये फिर से राउंड नंबर में 300 को ब्रेक करता है 300 को, तो आपको एक अच्छा पोजीशन बनेगा 320 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।